काश पीएम सुने, पीएम की तस्वीरें तो हर जगह आती हैं, लेकिन उन्होंने कान में ऐसा लग रहा है कि अपने तेल डाल लिया है। लेकिन जो बात शेखर मैं अभी इसके आगे भी पूछना चाह रही थी आपसे कि आईपीएल का कंपैरिजन करें, साक्षी मलिक ने एक ट्वीट भी किया है धोनी को कंग्रेचुलेट करते हुए, आज उसकी भी तो बातचीत होनी चाहिए कि क्रिकेटर्स के मुंह में ताला लगा हुआ है। आज कई लोग इस बात को बोल रहे हैं कि क्या क्रिकेटर्स एक अपनी प्रोटेस्ट को रजिस्टर नहीं कर सकते थे सिर्फ ये दिखाने के लिए, ठीक है वो साथ में एक ना खड़े हो रेसलर्स के, कम से कम ब्लैक बैंड ही पहन लेते, कुछ एक सॉलिडारिटी तो एक्सप्रेस करते आज इन महिला रेसलर्स के साथ एक ऐसे दिन में जब पूरे देश की निगाह उस इतने बड़े कमर्शियल गेम पर थी। एक क्रिकेटर के मुंह पर कुछ भी मैंने इन महिला पहलवानों के मुंह से नहीं, उन लोगों के मुंह से सुना है कि वो महिला पहलवानों से सहानुभूति दे या कुछ एक्सप्रेस। जी शेखर, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। आपने कब किसी क्रिकेटर को किसी भी अच्छी बात के लिए खड़े होते हुए देखा? उनको आप दिखाइए, यू शो मी द नोट्स, यू शो मी द वर्थ, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ डांस भी करूंगा, आपके शोरूम्स खोलने भी आऊंगा, और प्लस क्रिकेट भी खेलूंगा, और ऐसी क्रिकेट जिसमें क्या कुछ हो रहा है, हंसी क्रोने की मौत से लेकर बॉब वुलमर और हर एक जगह पर जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट में ये प्रूव हुआ है कि फिक्सिंग हो रही थी, बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, बहुत से लोगों को पेनलाइज किया गया, और उसी दौरान में जो क्रिकेट खेले उनको भारत रत्न भी दिया गया। क्यों? क्योंकि वो चुप रहे। आपको जो मेडल्स दिए जा रहे हैं ना, वो आपके चुप रहने पर है। आपके जो कप्तान बनाए जा रहे हैं, जो बड़े प्लेयर बनाए जा रहे हैं, कल रात को सबसे बड़ा अच्छा फेयरवेल भी मैं कहूंगा शायद धोनी का लास्ट मैच था, ये धोनी वही है अलेजिडली, क्योंकि कोई केस ना करे मैं अलेजिडली 3-4 बार बोल दूं, जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट के सील्ड एनवेलप में था। सभी लोग कहते थे उन दिनों में, क्वेश्चन मार्क करके स्टोरी करते थे, मैंने भी की थी, तो धमकियां भी आई थी, वो एक अलग चीज है। अलेजेडली एक और व्यक्ति जो कि राजस्थान रॉयल्स को लीड कर रहे थे, उन पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मैं कहते हुए थक गया, वो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तब लगता था कमाल कुछ होने वाला है, बट वो सब कुछ इसलिए था कि जय शाह को कैसे लाना है या बीजेपी को कैसे कैप्चर करवाना है। मैं तो अब ओपनली मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जब जो कुछ भी उन दिनों में हुआ, जो डाइल्यूट किया केस, वो सब कुछ किसी को परोसने के लिए था। 50,000 करोड़ की कंपनी, शायद मेरी जीरो कहीं कम ना रहेगी, एक आधी और जोड़ दीजिएगा। तो वो लोग अब रिटायर हो रहे हैं, वो लोग कल को फिर कमेंट्री में होंगे, वो लोग फिर कल को कोचिज होंगे, और ऐसे ही वो राजस्थान रॉयल्स वाले कोच हैं, वो बड़े बड़े अब हो गए, और भी प्रमोशन हो गई है, जैसे बृजभूषण सिंह का मुझे लगता है अब कैबिनेट रैंक मिलना तय है बहुत जल्दी, आप देखिएगा अगर ऐसा हुआ, अगर मेरी गलत गट फीलिंग नहीं है इस बारे में। क्यों? क्योंकि जो अजय टेनी आपको पूरा स्वीप करवाते हैं इलेक्शंस, बेटा गया कहीं भी किसी को भी रौंद दे, उनका जब रैंक MOS खत्म नहीं होता, तो बृजभूषण सिंह तो और भी बड़े, ये तो आपकी बेटियों को घर बिठाने वाले हैं, ये आपकी बेटियों को डरा रहे हैं। ये पहले कहते थे, बीच में एक दौर आया था कि बाबों के आश्रम में नहीं भेजना लड़कियों को, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बातें आ रही थी, अब कौन सा गरीब व्यक्ति ये रोटी के लिए भेजते थे? ध्यान रखिए, आज की लड़कियां, ये तो विनेश या ये सब हैं, ये तो थोड़ी पैसे वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सेकंड जनरेशन वाली है, लेकिन इससे पहले रोजी रोटी के लिए भेजते थे। एक गरीब के घर में रोटी नहीं होती थी, तो वो अपने बेटे अपने बच्चे को, लड़के को भी और लड़की को भी, रेसलर या बॉक्सिंग इसलिए करते थे, पंच पढ़ते हैं, कभी एक पंच खा के देखिएगा, गिर करके ढेर हो जाएंगे, अच्छे अच्छे भाषण खत्म हो जाएंगे। इनको अब आप डिस्करेज कर रहे हो कि अगर आप लड़की को भेजोगे वहां कोई और एक गुंडा बैठा होगा। अब आपकी फेडरेशन में आप देखिएगा इसका रिजल्ट, 1 या 2 साल में आपको लड़कियों की, रेसलर की, जो अंडर 14 अंडर 12 की जो पौध है वहां नहीं, बंद हो जाएगी। ये बात चल भी रही है, और इस बारे में मेरे ख्याल से सीरियसली कोई स्टोरी भी जरूर प्लान कर रहे होंगे, ये सब कुछ होने वाला है। तो इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, अब तो देखिए ये जो दौर है इसमें तो वोट से काउंट होता है। आप कर्नाटका हारोगे तो ऐसा होगा, अब आप हरियाणा में इलेक्शन, तो हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट कर देंगे तो शायद हम जीत जाएंगे, उसके बाद कहाँ होगा, यूपी में होगा तो ऐसा होगा, 2024 में ऐसा होगा। अरे सब कुछ इलेक्शन हो गया, अगर सब कुछ इलेक्शन होता तो मैं तो कहूंगा जो हमारे जो पुराने पूर्वज थे, जो हमारे पहले के पॉलिटिशियंस थे, लाल बहादुर शास्त्री को उनको आज कब्र से जगाना चाहिए। आप महामूर्ख थे, रेलवे एक्सीडेंट पे आप इस्तीफा देके बैठ गए थे, उनको जगाना चाहिए, उनको कोसना चाहिए कि आपने गलत राजनीति की। उन नेहरू जी को शायद, जिनको खैर खूब कोसते हैं, बताते हैं मुसलमान भी है, उनको शायद आज जगाना चाहिए। आप IITs बना रहे थे, आपको तो साधु बनाने चाहिए लोग, आपने ये क्या कर दिया। तो इसलिए मनमोहन सिंह को,
मुझे एक व्यक्ति मिले जो पुराने फाइनेंस के कुछ थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी और समथिंग, वो कह रहे थे कभी जाइए, नोटिंग्स पढ़िए उनकी। जब 2008 में ग्रेट डिप्रेशन आया वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया हिला नहीं, उनकी ग्रोथ 6 से ऊपर चलती रही। कहते जाके देखो कैसे पैकेजेस दिए। आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, बट बात कर रहे थे हमारे साथ बिल्कुल बैठ करके, कई जर्नलिस्ट थे। उनकी नोटिंग्स पढ़िए, कहते उसको म्यूजियम में रखिए, एक किताब लिखी जा सकती है। एक सरदार प्रोफेसर, वर्ल्ड का बेस्ट माइंड, कैसे काम कर रहा था। आज सिर्फ भाषण दोगे, अब आप सेंगोल भी लेके भी चलोगे, अब जब पार्लियामेंट में उनको घुसा दिया बाबाओं को, तो वो आपके पॉक्सो एक्ट को भी किनारे करेंगे। तो आप एक्टिविस्ट हो रहे, आपको भी मुझे लगता है गंगा में जाके डूब जाना चाहिए। आप सबको खत्म हो जाना चाहिए इस देश में, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और तभी यहां से लड़कियों की, औरतों को, वो कहते हैं बहुत बहुत शोर हम मचा रहे थे, 3 तलाक खत्म हो गए, बुरके के हम अगेंस्ट जाएंगे, ये हो जाएंगे। अरे आप देखते रहिए आप, वो तो अलग बात है। जो हम जिस तरह के तालिबानी समाज हम बनने वाले हैं, वो तो एक अलग दुनिया आने वाली है।